साथियों, किसान भाइयों और बहनों को कर्ज मिलने में आसानी रहे, इसके लिए हमने एक और बड़ा फैसला लिया है, बहुत बड़ा फैसला लिया है। पहले किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सिर्फ 1 लाख रुपए तक का ऋण बिना गारंटी लिया जा सकता था। अब इसकी सीमा बढ़ा दी गई है। अब मेरे किसान भाई, किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए सिर्फ 1 लाख नहीं, 1,60,000 रुपया तक का कर्ज बिना गारंटी ले पाएंगे। आज से ही किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा हमारे दूध उत्पादकों और मत्स्य पालकों के लिए भी शुरू की गई। जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, उनको अलग से पशुपालन और मछली पालन के लिए 2 लाख रुपए तक की सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इससे इन दोनों क्षेत्रों में फंड की उपलब्धता बढ़ जाएगी और हमारे पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों को दूसरे लोगों से कर्ज लेने पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मछली पालन से जुड़े हर पहलू पर ध्यान देने के लिए इस बजट में सरकार ने अलग से एक डिपार्टमेंट बनाने का भी ऐलान किया है। आपको मालूम होगा, देश आजाद हुआ लेकिन आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय नहीं था। ये अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया था। देश आजाद होने के बाद नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए कोई मंत्रालय नहीं था। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाया था। और अब फिर एक बार भाजपा की सरकार आई है कि देश में समुद्री तट पर, नदी के तट पर हमारे जो मच्छीमार भाई बहन रहते हैं, उनके विकास के लिए, उनकी भलाई के लिए मच्छीमार के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अलग मंत्रालय बनाने का हमने फैसला किया है, ताकि उनके विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथियों, इसके साथ ही एक व्यवस्था ये भी की गई है कि अब प्राकृतिक आपदा से प्रभाव होने की स्थिति में किसानों को कृषि ऋण में छूट की सीमा 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 से 5 वर्ष तक कर दी गई है। अब इसके कारण प्राकृतिक आपदा के बाद किसान को किसी से कर्ज लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, उसको समय मिलेगा। अगर किसान इस अवधि में समय पर अपने कर्ज के भुगतान करते हैं तो उन्हें, ये भी सुनिए, अगर वो कर्ज में भुगतान करते हैं तो उन्हें ब्याज दर में 3% अतिरिक्त छूट का भी लाभ मिलेगा।